अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी स्क्वायर रूट फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर है ये है 4096। अच्छा, यहाँ पे आज तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं इससे रिलेटेड प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से, डिफरेंट नंबर्स को लेकर। मैथड तो सेम होता है करने का, देखें आप अगर एक भी समझ लें तो बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 4096 है। तो सबसे पहले हमने ये इसके अंदर एक बड़ा होता है कि हमने किस टेबल से करना है, यानी कि 2 से 3 से 4 से किस से करना है। तो अगर लास्ट डिजिट आ जाए ना आपके पास 0 2 4 6 8 इस तरह का कोई नंबर आ जाए जो 2 के टेबल में जाता हो, या इवन नंबर आ जाए, तो फिर हम उसको 2 के टेबल में ही पहले करके चेक करते हैं। तो हम इसको 2 के टेबल में कर लेंगे। 2 2s are 4 0। इसी तरह यहाँ पर तो 9 है, तो 2 के टेबल में क्या आएगा, 2 4s are 8। बाकी यहाँ 8 एक बच गया, इधर आ जाएगा ये 16 बन जाएगा और 2 8s are 16 हो जाएगा। अभी भी लास्ट डिजिट 8 है तो हम 2 के टेबल में इसको कर सकते हैं। 2 1s are 2 0 7। इसी तरह 2 2s are 4 और 2 4s are 8। अभी भी लास्ट डिजिट 4 है तो अगेन हम 2 के टेबल में ही इसको करेंगे। 2 5s are 10 2 1s are 2 2 2s are 4। तो अभी भी लास्ट डिजिट 2 है तो मतलब हम 2 के टेबल में ही करेंगे इसको। 2 2s are 4 यहाँ 5 था, एक बच गया, इधर आया 11 बन गया। 2 5s are 10 फिर एक बचा और वो इधर आया तो 12 बन गया और 2 6s are 12 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 2 पे करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है। 2 1s are 2 2 2s are 4 यहाँ 5 था, एक बचा, इधर आया तो ये 16 बन गया और 2 8s are 16। लास्ट डिजिट 8 है तो अभी भी हम इसको 2 के टेबल में ही करेंगे। 2 6s are 12 और 2 4s are 8। लास्ट डिजिट 4 है, 2 के टेबल में ही इसको करेंगे। 2 3s are 6 2 2s are 4। लास्ट डिजिट अभी भी 2 है तो 2 के टेबल में ही करेंगे इसको अगेन। 2 1s are 2 और यहाँ पे अब 12 बन गया और 2 6s are 12 हो जाएगा। 2 8s are 16 फिर इसको 2 के टेबल में कर सकते हैं हम इसको। तो ये आ जाएगा 2 4s are 8 2 2s are 4 और फिर लास्ट पे 2 1s are 2 आ जाएगा। तो अब ये सारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बन गए। हम देखते हैं यहाँ पे बच्चों काउंट करके कि 2 कितनी दफ़ा आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक आ गया। देखें ऊपर 2 दफ़ा और है, 10, और इन दो को देखें 11 12। तो मतलब 12 टाइम 2 आ गया जिसको अब हमने इसके अंडर रूट के अंदर लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला अंडर रूट इसी तरह लिख लिया और ये 12 टाइम आया 2। यहाँ पे हमने इसको गिन के 12 टाइम लिख लेना है। 1 2 3 टाइम 4 फिर 5 6 टाइम 7 8 9 10 11 और 12। तो बच्चों यहाँ तक मैंने ये जो इसके फैक्टर्स बने थे 12 टाइम 2 आया था इसको लिख लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें जो पेयर हैं उनको पेयर फॉर्म में, ये देखें 2 2 दफ़ा 2 पावर 2 लिख सकते हैं। अगला 2 2 दफ़ा इसको 2 पावर 2, ये 2 दफ़ा है इसको भी 2 पावर 2, फिर ये 2 दफ़ा है तो इसको भी 2 पावर 2, इसको भी हम 2 पावर 2, और लास्ट वाले फिर ये 2 2 दफ़ा है तो 2 पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अब देखें इसमें कैंसल आउट क्या कर सकते हैं। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल आउट, ये भी इससे कैंसिल आउट, ये भी इससे कैंसिल आउट। तो यहाँ पे 2 रह गया, ये भी 2, ये वाला 2 इसी तरह लिख लेंगे। फिर इसके बाद अगेन 2, ये 2 और ये 2, यानी कि अब 6 टाइम 2 आ गया, पहले 12 टाइम था। 2 पावर 2 बनाने से वो एक पावर जो थी वो अंडर रूट से कट गई। अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 32 2s are 64। तो 4096 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बच्चों कितना आ गया है, ये 64 आ गया है। तो ये इसका आंसर होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्चों अल्लाह हाफिज़।